उज्जैन में रविवार को महाकाल लोक में आए बवंडर से सप्त ऋषियों की मूर्तियां गिरने से कांग्रेस को चुनावी साल में एक बड़ा मुद्दा मिल गया। 325 करोड़ रुपए की लागत से 7 महीने पहले बने महाकाल लोक का निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस की जांच समिति के सदस्यों ने इसके निर्माण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। 5 सदस्य जांच समिति में शामिल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और शोभा ओझा ने आज भोपाल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने की मांग की। उन्होंने 5 साल में 39 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने वाले नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा महाकाल लोक के निर्माण में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने के बयान को हास्यास्पद बताया। उन्होंने नगरीय विकास मंत्री को कांग्रेस जांच समिति द्वारा एकत्र घपलों के साक्ष्य जुटलाने की चुनौती दी। उन्होंने बीजेपी के राज में बनी महाकाल लोक निर्माण की 92 करोड़ रुपए की योजना का बजट 4 गुना बढ़ाने का श्रेय 1.5 साल रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को दिया। वहां उस समय सीएस के समय जो तेज आंधी चली वो सारे टेंट उखड़ गए थे, पानी भर गया था। उसके बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई थी। ये इंडिकेशन है, फिर से एक छोटा सा बवंडर आता है, सप्त ऋषि उतर के नीचे बैठ जाते हैं, मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। ये हमारी राजनीतिक भाषा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को। मेरे पास इतनी मोटी किताब है, अकाट्य प्रमाण है। आप बोलो भोपाल में किस जगह आपको अपनी भाजपा की बेगुनाही साबित करना है, आ जाओ, मैं आपके भ्रष्टाचार को साबित करके दिखाऊंगा। ऐसे ही नहीं बन जाती 7-7 स्टार होटलें, 97 करोड़ की जगह 97 करोड़ और यही पैसा होटलों में और तमाम सारी जगह लगता है, तब इतने बड़े बड़े आशियाने बनते हैं। तो मेरा तो अनुरोध, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं दोनों हाथ जोड़ के मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। क्रूनो, 1 महीने तक क्रूनो का इवेंट चला था, क्रूनो जयपुर चीते का, 1 महीने नेशनल टीवी हो कोई सा। अब चीते मर रहे हैं तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। गुरुनो चीते अब चीते मरते जा रहे हैं। हमारे सप्त ऋषि महाकाल लोक की जो दुर्दशा हुई है, एक दिन आता है, एक दिन दिखा दिया, फिर बाद में वो चीज़ें, जबकि महाकाल लोक का कितने दिन चला जब उद्घाटन हो रहा था। ये थोड़ा सा मेरा अनुरोध आपसे कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो अपेक्षा रखते हैं।